शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। हाल ही एक फिल्म को सेंसर बोर्ड महज इसलिए पास नहीं कर रहा क्योंकि उसका टाइटल सेक्सी दुर्गा है। तिरुवनंतपुरम के इस स्वतंत्र फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी इंटरनेशनल अवार्ड विनर मूवी सेक्सी दुर्गा को मंजूरी दिलाने के लिए सेंसर बोर्ड से लड़ाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सनल कुमार शशिधरन की ये मलयालम फिल्म 23 सालों में पहली भारतीय फिल्म है जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम IFFR में टाइगर पुरस्कार मिलने वाला है। प्रोड्यूसर कहते हैं इस फिल्म को अगले महीने होने वाले स्टार 2017 जियो मुंबई फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित करने पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इस फिल्म के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, साथ ही कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया इस फिल्म का किसी भी तरह से कोई धार्मिक संबंध नहीं है। परेशान प्रोड्यूसर ने कहा भारत ईरान जैसा देश बनता जा रहा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सेंसर बोर्ड से एक प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किया है।